बचपन को देखकर हर किसी के हृदय में प्यार जागता है, क्योंकि वो प्रेम से भरा हुआ होता है। अनंत प्रेम लेकर जब आप दुनिया में बैठे हों, किसी के प्रति घृणा नहीं, द्वेष नहीं, बैर नहीं। बुद्ध के जीवन में एक घटना आती है जिसमें 10,000 साधु बैठे हुए हैं सामने, और एक व्यक्ति चीखता चिल्लाता हुआ आ रहा है और बुद्ध इशारा कर देते हैं उंगली से, बाहर रखो इसको। पहली बार सबको आश्चर्य होता, बुद्ध तो सबको निमंत्रण देते हैं, एक आदमी को इशारा कर दिया इसको नहीं आने देना। आनंद पूछता है, प्रभु वो आदमी आना चाहता है अंदर, और हम कोई भी रोकता है तो और चीखता है, जोर से चीखता है, उसे आने दीजिए अंदर। बुद्ध कहते हैं, तुमने सुना है कुछ चीजें अछूत भी होती हैं? सब आश्चर्य में भर गए। अछूत इंसान, अछूत? बुद्ध शांत बैठे रहे, बोले नहीं, इंसान नहीं, प्राणी नहीं, इंसान के अंदर का जो क्रोध है, हिंसा, घृणा, वो अछूत होनी चाहिए, वो किसी को न छू ले। इस आदमी के अंदर जब तक क्रोध भरा हुआ है तब तक इसके अंदर अछूत क्रोध बैठा हुआ, जैसे ये निकल जाएगा तो यह आदमी सर्वप्रिय हो जाएगा। इसको शांत करके लेकर आओ। उस आदमी को कहा गया कि भाई तुमने अंदर कुछ ऐसी चीज पाल रखी है जिसको कहा जा रहा है कि कोई छूना नहीं चाहता। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज है जिसको कोई छूना नहीं चाहता। वो कहता क्या? बोले तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी घृणा, तुम्हारी नफरत, तुम्हारे अंदर का बैर, ये किसी को ना छू ले, और तुम्हें छू रहा है तो इसे बाहर करो, क्योंकि ये बुद्ध की सभा है, इसमें प्यार वालों के लिए जगह है, इसमें प्रेम वाले लोग आए। बाहर बैर को निकाल के अंदर प्रवेश करो और फिर देखो कि बुद्ध तुम्हारे हो जाए, भगवान तुम्हारे हो जाए। सच बात तो ये सभी यही कहते हैं कि जब तक तुम अपने अंदर के बैर को, विरोध को, हिंसा को, घृणा को बाहर निकाल कर नहीं आते, तब तक भगवान के लिए तुम भगवान से अछूते रह जाते हो। भगवान तुम्हें स्पर्श कर सकेगा तभी, जब तुम इस मैल को मिटाकर अंदर प्रवेश करो तो भगवान तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए, जब तुम प्रेम से भरपूर हो जाए। यही तो दूरी है, यही तो वो पर्दा है जिसके कारण भगवान हमारे अंदर होते हुए भी हमारे साथ संपर्क नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, अपने बैर से रहित होकर बैठो। मतलब जब तुम भक्ति करते हो ना, प्रेम वाले होकर बैठिए, सारी घृणा, बैर, विरोध उसको थोड़ी देर के लिए हटा दें, और जितना प्रेम पूर्ण हो सके, जितना भी आप उन सब चीजों को जिनको याद करते आपके अंदर प्रेम बहने लग जाए, उसको अपने अंदर ले आओ, प्रेम पूर्ण हो जाओ। और इतना करने के बाद मैत्री भाव ले आओ, सब मेरे ही तो हैं। अपनापन पैदा करो सबके प्रति, गैरियत हटा दीजिए, ये दूसरी सीढ़ी चढ़ जाओ। गैरियत हट जाए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, मित्रता की भावना। दूसरी सीढ़ी चढ़ गए, अब तीसरी सीढ़ी कहते हैं, यह सीढ़ी भी चढ़ो तो भगवान के मंदिर की तरफ आओगे। प्राणी मात्र के प्रति मित्र भाव। कभी आप वो प्रेम लेकर जाएं तो सही। हमारे यहां हमने लगभग 7 स्थानों में गौशालाएं खोली। तो दिल्ली आश्रम में जो आनंदधाम आश्रम है वहां भी गौशाला है, तो उसमें गीर गौवें जो रखी गई उनका एक अलग स्थान बनाया। वो खुले स्थान में घूमती हैं। अब जब भी वो किसी को देखती हैं कि कोई यजमान आ गए, मतलब कोई थैले वाला, किसी के पास कुछ खाने के लिए है, तो जैसे बच्चे चलते ना साथ साथ, वो पीछे पीछे साथ साथ चल रही होती। एक दिन मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो अपने टिफिन में से रोटियां निकाल के खिला रहा, और खिलाने के बाद कहता, लगता है आज उपवास करना पड़ेगा। क्यों भाई? बोले अपने लंच के लिए भोजन रखा था, पर ये इतनी प्यारी है कि इनको देखते ही कुछ खिलाने को मन कर रहा है, इसलिए जो है जो कुछ लाया था वो इसको खिला दिया। तो मैंने कहा अच्छा लग रहा है? बोले अच्छा तो बहुत लग रहा है। मैंने कहा तो भंडारा हमारे यहाँ होता है, दोपहर का लंच आप हमारे यहाँ करना। वो कहते हैं इनमें इतना प्यार भरा हुआ है कि जब यहाँ हम आते हैं, देखते हैं, मन करता है खिलाएं। किसी को देखकर जैसे बच्चे के अंदर प्यार होता है ना, कैसा भी आदमी क्यों ना हो, आप बच्चे को देखेंगे तो उसके अंदर का प्यार आपको भी प्रेम से भरपूर कर देता है। पुराणों में जो कथा आती है कि जब नारायण बहुत गुस्से में थे, जब उन्होंने नरसिंह का अवतार धारण किया था और राक्षस का वध कर दिया, तो क्रोध भरा हुआ उनकी आंखों में। तो शांत करने के लिए लक्ष्मी जी को देवताओं ने बुलाया कि आप आइए, आपको देखते नारायण शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी जी सामने आए तो भी नारायण का क्रोध शांत नहीं हुआ। मतलब सोना और सोने का रंग उनको बहुत पसंद आता है, तो पीत वस्त्र पहनकर लक्ष्मी माता की साधना करनी चाहिए। और फिर आगे गई तो गन्ने का खेत था, वहां गन्ने खाए, और अपने कानों पर वो फूल तोड़कर सरसों के वो कानों पर सजाए। वो कहते हैं मैं देखे हैं कई मंदिरों में जहां केले के पौधे लगाए जाते हैं, वहां साथ में गन्ने के भी लगाए जाते हैं, जहां लक्ष्मी और गणपति की आराधना अधिक होती है। गन्ना भी उनको पसंद आता है, मतलब मिठास पसंद आती है। तो अगर आप चाहते हो ना आपके जीवन में कृपा रहे, लक्ष्मी जी का वास रहे, तो एक तो मीठा बोलना नहीं छोड़ना, और मुस्कुराते हुए अपने दुकान पर, अपने कार्यक्षेत्र में, अपनी फैक्ट्री में, जहां भी बैठते हो। और तीसरी चीज ध्यान रखना, जो काम करते हो उसको बद्दुआ कभी मत देना। हमने ये क्या धंधा खोल लिया साहब, हम क्या दुकान खोल के बैठ गए, हमारी तो किस्मत ही ठीक नहीं है, ये जो बोलते हैं ना लोग, समझ लीजिए उनका बनता बनता काम बिगड़ने लग जाता। मेरा ही नहीं बनता, पड़ोसी तो ठीक है, ये भी जो बोलते हैं तो उनका भी काम नहीं बनता। जो आभार व्यक्त करे, अपनी गद्दी पर बैठते और कहे कि मैं अपनी रोजी रोटी वाली जगह पर, अपनी कर्म भूमि में, कर्म क्षेत्र में आया हूं, और इसी से मेरा घर, मेरा परिवार चलता है, मैं भाग्यशाली हूं जो मुझे ये गद्दी मिली, और इतने सारे मेरे साथ पढ़ने वाले लोग थे, उनको ये नसीब नहीं है, वो आज भी खड़े हैं, सहारा मांग रहे हैं दूसरों का, और आज भगवान ने मुझे सहारा दिया, और सहारा दिया नहीं, मैं सहारा देने लायक बना हूं, ये मेरे रब की कृपा है, मेरे प्रभु की कृपा है। धन्यवाद करो उसको, ना तो रिजक को देख के, अपने रोटी को देख करके नाक मुंह सिकोड़ना, और ना घर में प्रवेश करते हुए जो है ना दुखी और गुस्से से प्रवेश करना, और ना अपनी रोजी रोटी वाली जगह पर जब जाते हो अपने काम धंधे की निंदा चुगली कभी नहीं करो। बहुत प्यार से देखना चाहिए अपनी इस कुर्सी को जिसपे बैठ के आप रोजी रोटी कमाते हैं। तो लक्ष्मी माता को नारायण का वो गुस्से वाला रूप पसंद नहीं आया, तो नारायण को प्रसन्न करने के लिए फिर देवताओं ने क्या किया, पुराणों में बड़ी अलग अलग तरह कथाएं हैं कि उसके बाद सबने कहा कि इस गुस्से को शांत करने के लिए कोई प्रेम की मूर्ति लाओ, क्योंकि प्रेम की मूर्ति ही व्यक्ति के जीवन में प्रेम भर सकती है। देवताओं ने कहा प्रेम की मूर्ति तो छोटा बच्चा होता है, ऐसा प्रेम से भरा हुआ होता है। तो प्रहलाद को लेकर आए जिसके कारण अवतार हुआ था नरसिंह अवतार, उस भक्त बालक को लेकर आए सामने, नारायण भगवान नरसिंह रूप धारण किए खड़े हैं, शेर वाला चेहरा है। जैसे ही प्रहलाद को देखा तो उसको पास लेकर अपने, और जीभ जैसे चाटने लग जाता है ना, आप देखते हैं कि पशु योनि अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए जीभ से चाटने का काम करते हैं। आप अपने हाथ में गुड़ लेकर के ऐसे गौ के सामने जाओ, जब वो चाटने लग जाए और गुड़ चाटते चाटते आपके हाथों की लकीर को भी चाट लेना, तो समझ लेना चाहिए जो दुर्भाग्य की रेखा उसे भी चाट करके आपको सौभाग्य की रेखा देती है। सेवा करने का मौका मिले तो जरूर जाया करो गौशाला में, और सभी गौएं बहुत अच्छी होती हैं। ये नहीं सोचना ये गीर है, ये कपिला है, ये साहीवाल, धारीवाल, दूसरी वाल, जितनी भी तरह की गवैया होती हैं सभी में कृष्ण कहते हैं ना, गवाम मध्य वसाम्य, मैं गवों के बीच में रहता हूं। तो जैसे ही उस बच्चे को बैठाया तो भगवान ने प्यार से अपने पंजे ऊपर कंधे पे रखे, उसके माथे पर जीभ लगा के चाटते हुए अपनी तरफ खींचा, और एकदम लगा कि उनका वो रूप बदल गया। गुस्सा शांत होते होते भगवान अपने रूप में आकर के अदृश्य हो गए। वो देवताओं की विधि काम आ गई कि कितना भी गुस्सा हो व्यक्ति को, लेकिन जब अपने छोटे छोटे बच्चों को हंसता मुस्कुराता हुआ देखता है तो उनको देखते ही अबोध बालक की हंसी में, उसके प्रेम में बड़ों का भी क्रोध शांत हो जाता है। उनके पास बैठकर वो तनाव रहित हो जाते हैं। कृष्ण भगवान यही सीढ़ी चढ़ाना चाहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव। जो प्रेम से भरे हुए हैं, प्रेम मूर्ति जो बन गए हैं, जिनके अंदर मैत्री भाव है। और कितना शब्द प्यारा कहा, अगली तीसरी सीढ़ी ये है कि जो चढ़ेगा भगवान के मंदिर में, ये सोपान है प्रभु के मंदिर के। मैत्र करुण एव च, दुखियों को, असक्त को, असहाय को, कमजोर को, निर्बल को देखे और करुणा जाग जाए, सहायता करने के लिए हाथ ऊपर उठ जाए, मदद देने के लिए हाथ आगे आ जाए। ये करुणा इस रूप में भी होती है, कभी कभी करुणा आपके आदर में भी आती है। कोई भी बड़ा बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई अशक्त है, नहीं चला जा रहा। कभी कभी युवा भी अशक्त होता है, बीमार है, पांव में चोट लगी भी है, आप सहारा देते हैं। वो जो सहानुभूति करुणा जागी आपके अंदर, कहते हैं एक और सीढ़ी चढ़ गए भगवान के दर की तरफ, नजदीक आते जा रहे हो, करीब आते जा रहे हो। और आगे फिर कहा कि जब तुम निर्ममो निरहंकार, अगली सीढ़ी बताई गई है, मेरे तेरे के भाव से ऊपर उठ जाओ। सारे झगड़े यहीं के हैं। ये अगली सीढ़ी और उससे अगली सीढ़ी में कहा कि जब तुम अहंकार को मिटा दो और करीब हो जाओगे भगवान के, तभी वो प्यार करेगा तुम्हें। बड़े बीज दिए भगवान ने, ऐसे बीज जो भक्ति के बीज बो तो आपके जीवन में भक्ति के वो फूल खिले, मुस्कुराएं, आपका जीवन मुस्कुराने लग जाए, आपको सब कुछ फल प्राप्त हो जाए। हर फल आने से पहले फूल लगा करता है, फूल में ही फल छिपा होता है। रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का भाव यही है कि पूछा कि फल तुम कहां छिपे हो, तो मुस्कुराता हुआ जब फूल पूछता है कि फल तुम कहां छिपे हो, तो मुस्कुराने वाले उस फूल की तरफ फल छिपे हुए ढंग से आवाज देता है, तेरे दिल में छिपा हुआ हूं, तेरे अंदर से प्रकट होकर बाहर आऊंगा। किसी भी जिंदगी में पहले फूल आता है, मुस्कुराहट, आनंद, मस्ती, वहीं का जो परिणाम प्रसन्नता के रूप में, फल के रूप में जो परिणाम आया करते हैं, अद्भुत होते हैं। तो आपकी जिंदगी में जब अहम ना रहे, मैं ना रहे, कृष्ण कहते हैं बस यहां से तुम मेरे और निकट हो जाते हो। सीढ़ी आगे और चढ़े, आगे फिर लिखा सम सुख दुख क्षमी, दुख सुख में समान रहना जो जान गया वो एक सीढ़ी और चढ़ गया। क्षमी, और जो क्षमा वाला है, माफ करना जानता है, वो और सीढ़ी चढ़ गया और करीब हो गया। विचार कर देखिए, हम अगर अपने जीवन में कुछ ज्यादा कीमती होना चाहते हैं, दूसरों को माफ करना सीख जाएं, माफी मांग लें और माफ कर दें। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। माफ करना आता नहीं, हम लोग गांठ बांध लेते हैं, जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लेते हैं। ऐसी गांठ बांध के बैठ जाते हैं कि इसने मुझे ऐसा बोला था, मैं तो मरते दम तक भूलूंगा नहीं। परिणाम जिंदगी में दर्द। अगर चाहते हो परमात्मा तुम्हें माफ करे, तो तुम भी दूसरों को माफ करना सीख जाओ। और अगर तुम चाहते हो कि वो माफ नहीं करे, तो तुम भी ना किसी को माफ करना। क्षमावान पर ही कृपा होगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अपनी गलतियों को क्षमा नहीं करना, दूसरों की गलतियों को आसानी से माफ कर देना, ये जिंदगी को आगे ले जाने का सबसे बढ़िया मंत्र है। हम अपने को तो बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, दूसरे को तो कभी माफ करते ही नहीं। तो मेरा निवेदन यही है कि जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। मन चाहा पाना तो किस्मत की बात है, मन चाहा पाना तो किस्मत की बात है, मगर चाहो इतना कि रब देने को मजबूर हो जाए। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामना। परम पूज्य सदगुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या में आखिरकार 500 सालों के बाद भगवान श्री राम का आगमन होने जा रहा है। ठीक उसी से पहले महाराज श्री अपने भक्तों के लिए लाए हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के दर्शन करने का सुनहरा मौका। 2 से 6 दिसंबर 2023 से श्री रामार्चन मंदिरम जानकी घाट में 5 दिवसीय ध्यान साधना शिविर, जिसमें मन और मस्तिष्क की शांति हेतु विशेष रूप से राघव ध्यान करवाया जाएगा। हर वर्ष हम लोग ऋषिकेश में, जो अपने आप में एक तीर्थपुरी है, ध्यान शिविर का आयोजन हम लोग अवश्य करते हैं, लेकिन इस बार हमारा विचार था कि 500 वर्षों के बाद एक महान अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, उसका लोकार्पण होने जा रहा है और ये राम भक्तों के लिए विशेष अवसर है। पूजा पाठ पहले ही प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन हम लोग उससे पूर्व इसी 2023 में 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक सरयू नदी के तट पर महान सप्तपुरियों में अयोध्या महानपुरी, जिसे कहा जाएगा तीर्थपुरी, उसमें भगवान राम के जन्म स्थान पर, वो स्थान जहाँ भगवान ने अपने जन्म लेकर के भारत भूमि को नहीं, विश्व भूमि को कृतार्थ किया, उस भूमि में राम कृपा ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री राम की कृपा को प्राप्त करने के लिए यह ध्यान शिविर होगा। पंजीकरण हेतु संपर्क करें।